Hey everyone, welcome to the new blog. It's Vishal and I come back to my YouTube channel with another blog. So, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ world most dangerous rail bridge, जिसको हम पम्बन ब्रिज बोलते हैं, जो कि अपना मतलब इसी रूट पे आएगा. और ये ब्रिज इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज था. एंड जब मतलब बांद्रा बोरीवली ब्रिज बना, उसके बाद मतलब ये दूसरे नंबर पे आ गया. लेकिन सबसे पहले यही इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज बना था. तो दोस्तों, आज हम जिस ट्रेन से अपने पम्बन ब्रिज के ऊपर से यात्रा करने वाले हैं, वो है हमारी ट्रेन नंबर 06850 रामेश्वरम त्रिचुरापल्ली मेल एक्सप्रेस. ये ट्रेन 2:35 पे रामेश्वरम से चलती है एंड 264 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सेम डे रात को आपको 8:05 पे त्रिचुरापल्ली पहुंचाती है. तो ये लगे अपना WDG3A का GOC, यानी कि GOC स्टेशन कोड है पोनमलै गोल्डन रॉक शेड का WDG गुड्स का लोकोमोटिव लगा है भाई पैसेंजर ट्रेन के साथ. ये देखिए. तो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं D3 में. AC कोच तो है नहीं, पर ना इसमें स्लीपर कोच है. जितने भी इसमें कोच लगे हैं, 8 कोच लगे हैं इसमें. 8 के 8 अपने डी मतलब क्लास के ही हैं, क्योंकि डिस्टेंस कुछ नहीं है. 264 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे हम जल्दी ही कवर करेंगे. 8:05 पर पहुँच जाएँगे. 248 या दैट इज़ आवर सीट. तो दोस्तों, 2:35 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन ऑन द टाइम डिपार्ट कर चुकी है रामेश्वरम से. 264 किलोमीटर का 5:30 में. ट्रेन के 14 हॉल्ट्स हैं, क्योंकि मेल एक्सप्रेस है. हॉल्ट बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है. मैक्सिमम स्पीड 80-90 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड भाई सर एवरेज स्पीड होगी अराउंड 48. चलिए भाई, डिपार्ट कर चुके हैं अपनी ट्रेन रामेश्वरम से. एंड भाई, आज का अपना लोकोमोटिव बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि WDG गुड्स वाला लोकोमोटिव लगाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, देख सकते हो. एंड रामेश्वरम का स्टेशन कोड है RMM और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है. टेम्परेचर होगा अराउंड यहाँ पे 30+ डिग्री सेल्सियस. मैंने चेक नहीं करा, अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है. तो चलिए देखिए डिपार्चर अपनी ट्रेन का रामेश्वरम से. एंड अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा पम्बन, और पम्बन के बाद हमारा जो वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेल ब्रिज होगा वो स्टार्ट हो जाएगा. का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन रामेश्वरम से अपने पहले स्टॉप पे आ चुकी है, जो अपना पम्बन, और इसका स्टेशन कोड है PBM. और यहीं से हमारा वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ब्रिज जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है. पम्बन ब्रिज है ये, अपना मंडपम को पम्बन रामेश्वरम धनुषकोडी आयरलैंड के साथ जोड़ता है. तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी, 1 मिनट का स्टॉपेज है. तो दोस्तों, अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पम्बन से, और ब्रिज जो समुंदर से 41 फीट ऊंचा है. और अगर इस पे स्पैम्स की बात करें तो इसमें 144 स्पैम्स हैं. पिलर्स की बात करें तो 174 इसमें पिलर्स यूज हुए हैं. सो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ गया जब हम गुजर रहे हैं अपने पम्बन ब्रिज से. जहाँ पे हमारी ट्रेन की स्पीड अराउंड 4-5 किलोमीटर पर आ रही हो जाती है, क्योंकि इस ब्रिज की एज 100 बरस से भी ऊपर हो गई है. 100 साल से भी ऊपर इस ब्रिज की एज हो चुकी है, तो तब भी ये हमें सर्विस दे रहा है. तो नया ब्रिज भी बन रहा है एक पम्बन, वो भी दिखाते हैं आपको. तो पहले देखिए अपना पम्बन ब्रिज, यहाँ से अपनी ट्रेन.
कैमराज भी लगे हुए हैं इसमें। एंड ये बन रहा है अपना नया ब्रिज, नया पंबन ब्रिज बन रहा है, सारा का सारा देख सकते हैं। और ये आ गया अपना कैंटिलीवर स्कोर्ज रोलिंग साइड, इसके दो पार्ट्स हैं। ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब बड़े बड़े जहाज आते हैं तो उनको क्रॉसिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। दो पार्ट ऊपर खुलते हैं एंड एक पार्ट का वजन 415 टन से भी ज़्यादा है। एंड इस प्रोसेस को पूरा होने में अराउंड टाइम लगता है 50 मिनट लग जाते हैं। ये पानी चल रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे
अभी हम पंबन और रामेश्वरम आइलैंड से वापस आ चुके हैं एंड हमारी ये हमारी ट्रेन का दूसरा स्टॉप है जो अपना मंडपम और इसका स्टेशन कोड है ट्रिपल एम। या और हाँ भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने नोटिस करी है, जब तक आप मंडपम में हैं तो आपको पीने का पानी मिल जाएगा स्टेशन पे, लेकिन अगर आप मंडपम से आगे चले जाते हो आइलैंड पे चले जाते हो तो आपको पीने का पानी खरीदना होगा। आपको मतलब जो स्टेशन पे पानी मिलता है उसको मत पीए क्योंकि वो अच्छा पानी नहीं है। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे रोक दिया रेलवे स्टाफ ने। बाकी चलिए आपको कोच दिखा देते हैं अपना, इधर सारा का सारा कोच खाली है, देख सकते हो इतने यात्री नहीं है कोच में, बहुत ही कम यात्री बैठे हुए हैं कोच में, देख सकते हो। अन्ना व्हाट इज दिस, क्या है? 500 रुपया। हाँ 10 रुपया करल है, करल खोल के दिखाई, खोल ओपन ओपन मंडी मूंगफली मूंगफली बाबा बाबा मूंगफली 10 रुपये। हेलो बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी, आई विल गिव यू मनी, स्पीक इन, डोंट नो हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश नो, हिंदी में बात करना, मैं बात करेंगे। हाँ कैसे हो? मुंबई मुंबई मैं इधर का रहना वाला है। इधर का किधर का? इधर का के हाँ रामनाथपुरम। काले काले पैसा, ओनली पैसा, ओनली पैसा। अभी मतलब ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है एंड हम पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ स्टॉप पे जो अपना रामनाथपुरम, और इसका स्टेशन कोड है RMD एंड बाहर देखते हैं। और अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है अराउंड 53 किलोमीटर का, रामेश्वरम टू रामनाथपुरम। तो अभी हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, ऑन द टाइम हमें हमारी ट्रेन ने यहाँ पे पहुँचाया है। तो अभी देखते हैं रामनाथपुरम से अपनी ट्रेन का बात। टाटा। और यहाँ पे ओनली 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज योर टिकट? ओके ओके, वेट आई एम जस्ट चेकिंग। वेटिंग लिस्ट 65, वेटिंग लिस्ट, ओके ओके, आई एम जस्ट चेकिंग PNR। अना ये दूध भैया, अना मिल्क दैट हाँ या वन, हाउ मच? 40 रुपीज का ये लिया दूध, देख ये भाई साउथ का दूध जो है नवीन बादाम फ्लेवर मिल्क है, हमारे वहाँ पे मिलता है अमूल कूल लेकिन यहाँ पे मिला है ये नवीन बादाम। सो लेट्स चेक इट कैसा होता है ये, मतलब अमूल से मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता है। सो ये है तो मन मधुरे जंक्शन से जो लाइंस डाइवर्ट होती हैं, एक जाती है अपनी करैकुड़ी जंक्शन को जो कि ऊपर को जाएगी, उसी रूट पे हमारी ट्रेन जाएगी, और सीधी लाइन जाती है अपनी मदुराई जंक्शन को, और एक और लाइन जाती है जो कि तिरुचुचुल्लू जंक्शन तिरुचुचुल्लू रेलवे स्टेशन को जाती है, वो साउथ वाली लाइन। देखिए बड़ा कॉफ़ी चाय। सो देखिए हॉन्ग दे दी है 4:46 पे, यानी कि 11 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है ये स्टेशन। स्टेट तमिलनाडु डिवीज़न मदुराई एंड जोन साउथर्न में आता है। एंड देखिए भाई डिपार्चर। सो साउथ में पता क्या है कि नॉर्थ में हम जब लोगों को बाय करते हैं ना, बाय करते हैं तो मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन साउथ में आप किसी को भी बाय करोगे ना, चाहे कोई भी होगा, वो मतलब हैंड रेज करेगा अपना। सो बहुत मज़ा आता है, ये मतलब यादें होती है जो जर्नी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। देखिए क्या ब्यूटीफुल शानदार व्यू हमारी ट्रेन का
एंड यहाँ पे साउथ में ट्रेन चलती हुई। हेलो, अंडरस्टैंड। सो भाई अभी बताते हैं आपको अमूल दूध टेस्ट करके। अन्ना पीना, ड्रिंक ड्रिंक, नो बिटर, ओके। सो बताइए आपको टेस्ट करके कि ये सेम अमूल जैसा है कि नहीं है। देखिए पैकिंग किस तरह से इसकी बताएंगे। ये दूध अमूल कूल से बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अनंदा से भी टेस्टी है भाई। ये देखिए भाई हमारी ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पे खड़ी है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में बना ही नहीं है, तोड़ दिया सारा, इधर भी तोड़ दिया। और इस स्टेशन का नाम है मेन, इस स्टेशन का नाम है मेलकोनोकुलम। वाओ, यहाँ पे देखिए नीम के पेड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 174 किलोमीटर का, रामेश्वरम टू काराकुडी जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं काराकुडी जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है KKDI। और यहां पे हमारी ट्रेन 5 मिनट लेट आई है और 5 मिनट ही स्टॉप था हमारी ट्रेन का। ये जंक्शन है, ये जंक्शन क्यों है, यहाँ से 2 लाइन्स डाइवर्ट होती हैं। एक जाती है अपनी तिरुचित्रापल्ली जंक्शन को, यहाँ पर हमारी ट्रेन जाएगी, और दूसरी यहाँ से नॉर्थ वाली साइड जाती है, ऊपर वाली साइड, जो अपनी तीर। ठीक है, तो हॉर्न दे दिया हमारी ट्रेन ने क्योंकि लेट थी यहाँ से। काराकुडी, काराकुडी जंक्शन से काराकुडी। Stations are very beautiful. Stations are very beautiful. Natural beauty, like trees. Yeah. Districts are not developing in. In Tamil Nadu. Ram Nadu and Sivagangai is not developing. Not developing. The waterfalls no agri. This area very limited. No development. Low development. भाई स्टेशन देख सकते हो कितने ज़्यादा ओल्ड एंड कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेशन हैं यहाँ पे। तिरुमयम रेलवे स्टेशन भी क्रॉसिंग। यार ये एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है भैया, ऐसा मुझे बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं है एरिया। देखिए भाई कैसा पुराना टाइप का एरिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों टाइम हो रहा है भाई 9:23 और हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के लास्ट स्टॉप पे, जो अपना कुमार मंगलम रेलवे स्टेशन। और यहां पे हमारी ट्रेन ने हमें 2 मिनट लेट पहुंचाया। और तो दोस्तों टाइम हो रहा है 7:42 और हमारी ट्रेन टर्मिनेट हो चुकी है अपने लास्ट
फॉल्ट पे जो है अपना तिरुचिरापल्ली, इसको हम त्रिची भी बोलते हैं। ये जो सो गाइस जो हमारी ट्रेन थी उसने हमें यहाँ पे 20 मिनट बिफोर पहुँचाया है। तो आज मैंने आपको दिखाया वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेल ब्रिज। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना ना भूलें, मेरी यूज़र आईडी है mrvishal_sharma_। हाँ और भाई अपने को ऐड भी कर लो यार, इतनी मेहनत से मैं जर्नी कर रहा हूँ।